एकदम ठंडा ठंडा हवा और ऊपर से बाइक राइड करने में जो मजा आ रहा है आज। ट्रेन से जा रहे एक लोग अपने मंजिल पे और हम लोग जा रहे अपने बाइक से। पहले जब हम लोग कॉलेज पे पढ़ते थे तब सारे दोस्त मिलके यहाँ पर ही थोड़ा अड्डा देते थे हम लोग। भाई साहब गांव के बीच से जाने का अलग ही वाइब है भाई। सामने आ गया गाइस, ये हमारा अटल टनल। यहाँ पे ये देखो, ये है आपका एम्यूजमेंट पार्क। भाई साहब रोड का हालत देखो, सिर्फ पूरा फॉगी फॉगी वेदर। तो भाई भाग पसंद है, भाग भाग ठंडा भाग। चलो ले लो, कौन से क्लास में हो तुम लोग? किसी यूट्यूबर का नाम जो बाइक चलाता है? सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बाइकर 7DC। सो आज है संडे और संडे हम लोग बाइक राइड ना करें ये क्या हो सकते है। तो फिर से आज का मेरा को राइडर है सोमनाथ। सो वैसे गाइस आज हम लोग जिस टाइम पे निकले हैं एकदम परफेक्ट वेदर है। अभी सिर्फ बारिश ना आए, बाकी सब एकदम बढ़िया है भाई। एकदम ठंडा ठंडा हवा और ऊपर से बाइक राइड करने में जो मज़ा आ रहा है आज। सो आज हम लोगों का प्लान है कि हम लोग जाएंगे आपका बारोविसा साइड, उधर 4 लेन पर थोड़ा राइड करके वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि संडे है, घर पे बैठ के तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे गाइस बाकी सब जगह तो हम लोगों ने घूम ही लिया है आसपास का, इसलिए थोड़ा चिल राइड करने के लिए निकलते हैं। सो भाई साहब ऊपर पे देखो बादल का हालत, उस साइड पे तो शायद बहुत बारिश हो रहा है। हम लोग जिस साइड पे जा रहे हैं बारोविसा साइड पे, भाई प्रे कर रहा हूँ मैं कि अभी बारिश प्लीज़ ना हो। सो आज का राइड का फ्यूल अप करवा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि डंडा मेरा एकदम ब्लिंक कर रहा है। यही चक्का पूरा स्किट हो गया था गाइस अभी। सो अभी तेल डलवाना हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू अलीपुर होके। इस साइड पे अलीपुर द्वार पे भी निको पार्क जैसा एक एम्यूजमेंट पार्क खुला है, तो जाते वक्त उसको देखते हुए जाते हैं, क्योंकि अलीपुर द्वार पे गाइस एक नया एम्यूजमेंट पार्क खुला है जो कि हमारे जाने के रोड पर ही पड़ेगा। तो जाते वक्त सोचा कि क्यों ना उसको भी देखते हुए जाते हैं। अभी अभी फिर से रेल गेट बंद गाइस। यहाँ पे ट्रेन से जा रहे एक लोग अपने मंजिल पे और हम लोग जा रहे हैं अपने बाइक से अपने मंजिल पे। तो दोनों का ही एम सेम ही है, लेकिन चीज़ अलग है आपका। गाइस आज लगभग 1 से 1.5 साल बाद आ रहा हूँ न्यू अलीपुर के साइड पे, क्योंकि पहले जब हम लोग कॉलेज पे पढ़ते थे तब सारे दोस्त मिलके यहाँ पर ही थोड़ा अड्डा देते थे हम लोग, लेकिन वो सब दिन अब कहाँ रह गया है भाई। अब सब कुछ बदल चुका है और यहाँ पे बाइक का स्टार्ट भी ऑफ हो चुका है। पहले ये रोड कितना बढ़िया हुआ करता था, लेकिन अभी तो रोड का हालत एकदम बुरा होके रखा है। सो अभी हम लोग लेंगे इधर से राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड से आप लोग अलीपुर द्वार टाउन जाओगे, इस साइड का रोड को आपका बोलते हैं हल्दीबाड़ी रोड। यहाँ पे एक सुंदर सा कार दिया है, तो थोड़ा कॉर्नरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन भाई साहब नहीं, इधर तो इतना गोबर वगैरह है नीचे, बाइक ही फिसल के गिर जाएगा नहीं तो। भाई साहब गांव के बीच से जाने का अलग ही वाइब है भाई, अलग ही सुकून सा लगता है। बच्चों का रिएक्शन देखो यहाँ पे। सो सामने आ गया गाइस, ये हमारा अटल टनल। ओ नहीं नहीं चलो, जो टनल भी हो टनल के अंदर आए और थोड़ा बाइक को रेप ना करे ये क्या हो सकता है। भाई साहब पानी देखो यहाँ पे। सो सामने सोमनाथ को दिया है थोड़ा मेरा एक वीडियो शूट करने के लिए।
सो गाइस वहाँ पे सामने देखो, यहाँ से थोड़ा पहाड़ का झलक मिल जा रहा है आज तो, एकदम वेदर क्लियर हो चुका है अभी। सो हम लोग अभी है आपका हल्दीबाड़ी रोड पे, इसी रोड पे आएगा आपका एम्यूजमेंट पार्क। सो भाई साहब एम्यूजमेंट पार्क किधर गया आपका? अभी तो हाई रोड पे हम लोग आ गए। कहाँ गए भाई एम्यूजमेंट पार्क? भाई साहब तू तो पीछे ही फेंक के आया, अभी तो हाई रोड ही पहुँच गया हम लोग। पीछे था शायद, पीछे एक टर्निंग था। सो गाइस जहाँ पे जाने के लिए आए थे इस बंदे ने गलती कर दिया, पिछले दिन आके भी गाइस भूल गया, क्या बोलूँ इसको। तो थोड़ा पीछे जाके देख के आते हैं नहीं तो। सो आप लोग अगर गाइस अलीपुर द्वार से आ रहे हो एम्यूजमेंट पार्क के लिए, तो आप लोगों को ये वाला मोड़, हाँ ये वाला मोड़ पकड़ के जाना होगा। तो देखते हैं सामने कि कितना भीड़ है आज। लग तो रहा है कि बहुत ही भीड़ है आज, अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ बार बार से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। सो यहाँ पे ये देखो, ये है आपका एम्यूजमेंट पार्क। अभी भी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। चाचा जी हम लोग बाद में आते। सो हो गया देखना। चलो टाटा बाय बाय। अब सो गाइस हो गया हमारा एम्यूजमेंट पार्क आज के लिए घूमना। अभी हम लोग जा रहे हैं हाईवे साइड, उधर पे जाके होगा आज का असली राइड का मज़ा। सो अभी हम लोग आ ही चुके हैं आपका नेशनल हाईवे पे। अभी इस साइड से हम लोग जाएंगे राइट साइड। ये बस जिस साइड से आया, ये रोड है आपका सिलीगुड़ी वाला, और ये रोड है आपका गुवाहाटी वाला, जिस साइड पे अभी हम लोग जा रहे हैं। सो अभी ये हम लोग पहुँच चुके हैं आपका सलसलाबाड़ी पे। राइट साइड से आप लोग सलसलाबाड़ी होके अलीपुर द्वार जाओगे, लेकिन इस साइड का ही मैंने बोला था कि रोड एकदम ख़राब है, इसलिए हम लोगों ने हल्दीबाड़ी का रोड ही चूज़ किया। सीबी कैसा सिंघम वाला पोस्ट लेके कहाँ जा रहा है भाई, किस गाड़ी को पकड़ेगा ये। इस साइड पे भी आपका फोर लेन का काम कुछ अधूरा रह गया है, सिर्फ इतने से पैच पे, बाकी तो सामने जाके अभी फोर लेन मिलेगा भाई पूरा। ये तो पाउडर पाउडर करके रख देगा आज। सोमनाथ इतना धूल मत उड़ा भाई, मेरा बाइक का पूरा फेस ही नहीं तो अलग हो जाएगा, ब्लू से हो जाएगा ग्रे। भाई साहब रोड का हालत देखो, सिर्फ पूरा फॉगी फॉगी वेदर। तो भाई फॉगी फॉगी नहीं, ये है आपका मिट्टी मिट्टी। एक इंस्टाग्राम पे रील है ना साला, रोड ही बवासीर है। उस रील का याद आ रहा है मुझे तो अभी। ये रोड पे गाइस चक्का स्किट करने का रिक्स है, इसलिए थोड़ा धीमे धीमे ही जाना पड़ेगा। सो आज गुवाहाटी चला जाए क्या गाइस? ऊपर पे देखो वहाँ पे गुवाहाटी है सिर्फ 292, 300 किलोमीटर भी नहीं है गाइस यहाँ से गुवाहाटी आपका। सो गाइस अभी हम लोग है आपका नेशनल हाईवे पे, यहाँ पे देखो आप लोग पूरा फोर लेन रोड है। सो रोड को पहले थोड़ा क्लियर होने देते हैं, उसके बाद थोड़ा एक ड्रैग करेंगे आज यहाँ पे। सो यहाँ पे तो देख ही सकते हो, यहाँ पे रहा आपका R15M और यहाँ पे V3। पिछले दिन जो रेस किया था उस पर तो भाई ये बंदा जीत गया था जितना भी रेस किया, क्योंकि क्विक शिफ्टर और बॉडी वेट का बहुत ही एडवांटेज है। तो आज फिर से देखते हैं एक ट्रायल लेके कि क्या रिजल्ट आता है।
बाप भाग थंडो भाग, आज तो ओवरटेक करके ही रहूंगा भाई। भाई साहब फिर से ट्रक आ गया यहाँ पे, तो आज नहीं छोड़ूंगा भाई मैं। भाई साहब रोड ही नहीं मिल पा रहा है ठीक से, रुको फिर से होगा। थोड़ा खुला पैच मिलने से भाई आज ओवरटेक हो ही जाता, नहीं तो शिट गाइस शिट। ये रोड आपका फोर लेन है लेकिन इतना बिजी रोड है इसलिए प्रॉपर ट्रैगरेस नहीं हो पा रहा है गाइस। यहाँ पे और एक ट्राई लेते हैं, रुको धरा। अभी नहीं जाने दूंगा भाई मैं। भाई साहब ये वाले रेस पे नहीं जाने दिया मैं। हालांकि टॉप एंड तक ट्राई नहीं हुआ लेकिन 120-30 तक एकदम जाने नहीं दिया। भाई साहब इस साइड पे क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे बच्चे लोग इधर क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे सीन देखो गाइस, बच्चे लोगों को कहाँ से हो तुम लोग? चलो ले लो। भाई साहब यहाँ पे देखो सेल्फी फोटो सेशन चल रहा है। सो मिलकर अच्छा लगा भाई लोगों से। कौन से क्लास में हो तुम लोग? सेवन में। कौन से स्कूल पे? भाई साहब ये लोग क्या हमें बाबू भैया समझ रहे? चलो सभी एक एक करके नाम बोल दो। और तुम्हारा भाई कुणाल बर्मन। यूट्यूब देखते हो सभी? मेरे चैनल को फिर देख लेना थोड़ा। ये ओ ठीक है। राइडर गिरी किया है अभी दिखाएंगे। यूट्यूब पे देख लेना, इस चैनल पे आता है सब वीडियो। तुम लोगों का वीडियो आएगा ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोगों का वीडियो आएगा ठीक है। ठीक है बात पे देख तो मेरा ही वीडियो चल रहा है भाई लोगों के फोन में। बाइक का वीडियो देख तो किसको पहचान दो मोटो ब्लॉगिंग में? किसी यूट्यूबर का नाम जो बाइक चलाता है? बाबू भैया को पहचान दो? और सिर्फ बाबू भैया ही, और किसी को नहीं पहचान दो? क्यों, बाबू भैया बहुत अच्छा लगता है? इधर जब आया था मीट किया था तुम लोगों ने? कौन सा बाइक लेके आया था? H2 और S1000 RR। चलो हो गया, बाद में मिलेंगे ठीक है, बाय बाय। सबाई हो भी तोरा রাইডার হওয়ার জন্য আগে কি পড়াশোনা করতে হবে না? তারপরে ভালো বাইক কিনবি, তারপর তো সব। 18 বছর হবে তারপর লাইসেন্স, তারপরেই তো সব না? এখন ভালো করে পড়াশোনা কর, তারপর সব হবে।
সবার বাড়ি এখানে আশেপাশে সব ও চল ভাই আজ তো অলগ সিন হো গিয়া बच्चे लोग आके फोटो वगैरह खिंचाने लग गए। मैं तो सोच रहा था कि बाबू भैया समझ के फोटो खींचा रह गया। बच्चे लोग ऐसे ही बाइक वगैरह देख के खुश हो जाते। भाई साहब आज तो रोड के वजह से एक भी ड्रैग ठीक ठाक नहीं गया हमारा, क्योंकि बार बार गाड़ी आ जा रहे है। अदरवाइज आज का ड्रैग रेस थोड़ा टक्कर का हो रहा है, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है भाई। सो गाइस ये हम लोग पहुँच चुके हैं बाड़ोबिसा पे। इधर से यू टर्न लेते हैं। अभी आज तो भाई अंधेरा ही हो चुका है एकदम। भाई साहब खुला रोड ही नहीं है आज तो एकदम। सो गाइस आज का और एक ट्राई लेते हैं यहाँ से। दारा गाड़ी आसे दारा। निकलने दूंगा भाई मैं। यहाँ पे कार को देखने के चक्कर पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हट गया मेरा। सो गाइस आज का वीडियो देख के अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आज का रिजल्ट तो देखा ही है, ठीक से हो ही नहीं पाया। तो और एक किसी दिन खाली रोड पे अच्छे से ट्राई करेंगे। टिल देन राइडर ड्राइव सेफ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम कामखागुड़ी। बाय गाइस सायोनारा।